Today we are going to discuss about electromagnetic induction. First of all, we will talk about Faraday's law. In 1831, Michael Faraday reported on a series of experiments. Experiment number one is, he pulled a loop of wire to the right through the magnetic field. A current flowed in a loop. इस लूप के अंदर से उस वक्त करंट इंड्यूस होता है जब वो लूप को मूव कराता है, तो ये सिचुएशन बनती है। उसने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ही मूव्ड द मैग्नेट टू द लेफ्ट होल्डिंग द लूप स्टिल। तो उसने मैग्नेट को लेफ्ट की जानिब फिर मूव किया, यानी उसने लूप को वैसे ही रहने दिया, स्टिल रहने दिया और मैग्नेट को मूव करवाया। अगेन अ करंट फ्लोड इन द लूप, यानी उस चाहे उसने लूप को मूव करवाया या मैग्नेट को उसने मूव करवाया, दोनों सिचुएशन में इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस हुआ। यानी अब इस केस में उसने मैग्नेट को मूव करवाया, इस केस में उसने एक केस में उसने लूप को मूव करवाया, दोनों केसेस में जो है करंट इंड्यूस हुआ। विद द लूप, विद बोथ द लूप एंड मैग्नेट एट रेस्ट, उसने लूप और मैग्नेट दोनों को रेस्ट की हालत में रखा, यानी मैग्नेट भी वहीं पर रहा और लूप भी वहीं पर रही। ही चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, उसने फील्ड की स्ट्रेंथ को तब्दील किया, तो फिर भी करंट इंड्यूस हुआ लूप के अंदर। तो एक सिचुएशन ये है, यानी तीन मुख्तलिफ सिचुएशन हैं। एक सिचुएशन ये है कि उसने लूप को इस तरह मूव कराया, दूसरी सिचुएशन ये है कि उसने लूप को वहीं पर रहने दिया और इसको मूव करवाया, मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाया। तीसरी सिचुएशन ये है कि दोनों को साथ में रहने दिया और उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, EMF इंड्यूस हो जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। ये नेगेटिव साइन को मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ, ये नेगेटिव साइन क्या है। सेम EMF arises in the loop two, वही EMF जो है लूप सेकंड में दी इन द मैग्नेट एंड लूप। जो असल चीज है वो ये है कि मैग्नेट और लूप के दरमियान में कोई रिलेटिव मोशन हो, यानी या तो लूप मूव कर रही हो या मैग्नेट मूव कर रहा हो, दोनों केसेस में EMF इंड्यूस होता है। इफ द लूप मूव्स, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द EMF इन द लूप। बट इफ द लूप इज स्टेशनरी, द फोर्स कैन नॉट बी मैग्नेटिक वन। तो जैसे ही ये लूप हरकत करती है तो मैग्नेटिक फोर्स लग, इफ द लूप मूव्स इट इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये EMF किस वजह से पैदा होता है? ये उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा होता है कि जब आप लूप को मूव करवाते हो तो लूप के अंदर के जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं। तो जहरी बात है, जब लूप के अंदर के चार्जेस मूव करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि वो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कोई भी चार्जेस जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है, उन चार्जेस पर मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्जेस फिर खुद मूव करना शुरू कर देते हैं। पहले तो लूप की वजह से वो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जब आप लूप को इस तरह मूव करते हैं तो वो चार्जेस जो इसके अंदर मौजूद हैं वो भी इसी डायरेक्शन में जारी बातें जा रहे होते हैं। तो जब वो इसी डायरेक्शन में जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स अमल करती है। वो फोर्स राइट हैंड रूल के मुताबिक किस डायरेक्शन में होती है कि ये जब आप ये चार्जेस इधर किए, चार्जेस की वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है पल्स किया, तो वी क्रॉस बी, वी से बी की जानब, अब वी जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है। तो पहले ऐसे सीधा रखें अपनी हथेली को और फिर अंदर की जानब फिंगर्स को कर्ल करें तो एक्सटेंडेड थंब की डायरेक्शन ये वाली बनेगी। तो बोला कि जो वायर के अंदर जो चार्जेस हैं उन पर फोर्स इस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है, ये वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जिसकी वजह से चार्जेस मूव करना शुरू कर देते हैं। बट इफ द लूप इज स्टेशनरी, द फोर्स कैन नॉट बी मैग्नेटिक वन। ये मैग्नेटिक फोर्स थी ना, क्योंकि उसके अंदर जो है चार्जेस की, यानी लूप की मोशन की वजह से जो चार्जेस ने मूव किया और उसकी वजह से ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी। तो अगर लूप स्टेशनरी हो तो वी क्रॉस बी, तो वी में वी भी जीरो हो जाएगी, तो इस केस में चार्जेस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगेगी। What sort of field exerts a force on charges at rest? Well, it is the electric field that is produced by the changing charges at rest. कि ये electric field होता है, well, it is the electric field that is produced by the changing magnetic field. कि जब भी कोई magnetic field change होता है या magnetic flux change होता है तो उसका effect क्या होता है कि wire के अंदर electric field induce हो जाता है। उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है उसकी वजह से ईएमएफ पैदा होता है। हर वायर के अंदर ऐसा होता है,
बल्कि जहां पे भी चाहे वायर मौजूद हो या ना हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये वो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला था जो हमने पहले पढ़ा था। तो अब इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको क्लोज लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये ईएमएफ किसके बराबर है, माइनस डी फाई ओवर डी टी। देन ई इज रिलेटेड टू द चेंज इन द बी बाई द इक्वेशन क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर जो फाई है आपको पता है कि फाई किसके बराबर होता है, डी फाई किसके बराबर होगा, बी डॉट डी ए के बराबर होगा। एक तो ये कि फैराडे लॉ में कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और दूसरा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। एग्जांपल 7.5 है, ए लॉन्ग सिलेंडर सिलैंडरिकल मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, मैग्नेट है जिसकी लेंथ एल है, कैरीज एट रेडियस ए कैरीज आर यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन एम पैरेलल टू इट्स एक्स एक्सिस, इट पासिस एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी थ्रू अ सर्कुलर वायर रिंग ऑफ स्लाइटली लार्जर डायमीटर। ये जो लॉन्ग सिलेंडर है जिसका रेडियस ए है और लेंथ एल है, इसकी मैग्नेटाइजेशन एम है, ये एक सर्कुलर रिंग है, इसमें से ये पास होता है, मैग्नेटाइजेशन होती है वो मैग्नेट होता है, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, यानी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट है, तो गया कि ये वाली जो लेफ्ट साइड है ये नॉर्थ पोल है, और जो राइट साइड है ये इसका साउथ पोल है। तो जैसे ही ये रिंग में से गुजरेगा, तो क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर से चेंज होगा, और जैसे ही ये लूप इसके अंदर से लूप के अंदर से ये पास करेगा सिलेंडर, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, और उस वक्त तक ये कांस्टेंट रहेगा जब तक ये दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच जाता, जब तक ये सिलेंडर दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच जाता, जब मजीद सिलेंडर को आगे मूव करवाया जाएगा तो फिर ये नतीजे होगा, क्योंकि फिर प्लस चेंज होगा। तो ये है इसकी साइंस। सरफेस करंट विल बी सेम एज इन द केस ऑफ सोलेनाइड, सरफेस केस सरफेस करंट जो है के इज इक्वल टू एम क्रॉस एन कैप होता है, एम इंटू फाई कैप है फील्ड इन साइड द सोलेनाइड। पहले इसको देखो, फ्लक्स थ्रू द रिंग इज द जीरो, रिंग में से फ्लक्स जीरो होता है जब मैग्नेट फार अवे होता है, इट बिल्ड्स अप टू द मैक्सिमम ऑफ म्यू नॉट एम पाई ए स्क्वायर, क्योंकि उसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो एम है, और मैग्नेटाइजेशन को अगर हम एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है म्यू नॉट एम पाई एज द लीडिंग एंड पासिस थ्रू, इट बिल्ड्स अप टू द मैक्सिमम, ये हमारे पास वो फ्लक्स है, ये वो फ्लक्स पैदा हो जाता है, ये मैक्सिमम फ्लक्स है कि जैसे ही अब यहाँ पर शुरू में फ्लक्स जैसे ही मैग्नेट करीब आता है तो फ्लक्स चेंज होता है कि जीरो से लेकर जो मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होता है वो जी वाला होता है, यू नॉट एम पाई ए स्क्वायर, ये फ्लक्स चेंज होता है, ये यहाँ से भी देखा जा सकता है। जैसे ही इसकी जो लीडिंग एंड है, लीडिंग एंड में जैसे जो सामने वाला सरा इसके अंदर दाखिल होता है, तो फिर क्योंकि ये पूरे का पूरा सिलेंडर वेलोसिटी के साथ इस तरह मूव कर रहा है, तो फिर इस केस में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाता है, ये यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लक्स भी ये ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, और फिर जब इट ड्रॉप्स बैक टू द जीरो एज द ट्रेलिंग एंड इमर्जेस, और फिर ये दोबारा जीरो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ये इसकी ये जो लास्ट वाली एंड है, जब ये इस लूप के बाहर से निकलेगा तो फिर फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और फिर आखिरकार इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज कब होता है कि जब लीडिंग एंड करीब आ रही है, और लीडिंग एंड सिलेंडर की जब बिल्कुल इसके लूप के अंदर आ जाती है तो उस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम हो चुका होता है, तो यानी जीरो से लेकर मैक्सिमम हो चुका होता है जब उसकी लीडिंग एंड अंदर आ चुकी होती है, फिर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, और फिर फ्लक्स जब उसकी ट्रेलिंग एंड गुजर रही होती है तो फिर फ्लक्स कम होना शुरू हो जाता है, और फिर फ्लक्स भी लाकर जीरो हो जाता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो सिर्फ उसी वक्त ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ यहाँ से यहाँ तक इंड्यूस होगा, और ईएमएफ यहाँ से यहाँ तक इंड्यूस होगा, जब यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन की वजह से, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव है तो साथ नेगेटिव साइन है, तो इस वजह से ये नेगेटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ईएमएफ है, चेंज ऑफ ईएमएफ है, वो पॉजिटिव है। तो ये प्रॉब्लम था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इफ यू सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड,
Since the first spike in the figure 7.22b is the negative first current pulse flows clockwise, this is due to the Lenz's law, because this direction of current opposes the motion of magnetized cylinder. यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि फ्लक्स करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा. जब आप इस तरफ मूव करवाओगे तो ये वाली साइड लूप की जो है, यानी जो लूप की जो राइट हैंड साइड है जो इस सिलेंडर को फेस कर रही है, वो राइट साइड भी नॉर्थ पोल बननी चाहिए. नॉर्थ पोल अगर बने तो फिर करंट किस डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए, फिर इस डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए. क्योंकि आप फिंगर्स को इसी डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो एक्सटेंडेड थंब ये वाला बनेगा. जब एक्सटेंडेड थंब ये वाला बनेगा तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, यानी जो लूप का नॉर्थ पोल बनेगा वो लेफ्ट टू राइट होगा. और जबकि ये जो सिलेंडर का जो नॉर्थ पोल है वो राइट टू लेफ्ट है, तो दोनों नॉर्थ पोल्स एक दूसरे के अपोजिट है. जिसकी वजह से जैसे ही आप इसको सिलेंडर को करीब लेके आएंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगी, क्योंकि नॉर्थ पोल एक दूसरे को अपोज करते हैं. और जैसे ही इसकी ट्रेलिंग एंड जो है वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे ट्रेलिंग एंड होगी और जहाँ पे इसकी लीडिंग एंड होगी, यानी ये जो सामने वाला सरा ये वाला है, जब इस लूप के अंदर से पास हो जाएगा तो और इसके सामने वाला सरा यहाँ पहुँच जाएगा और इसका लीडिंग एंड यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है. अब इस केस में आप मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हैं, इस लूप से दूर लेके जा रहे हैं, लेकिन नेचर ये चाहती है कि ये आप इस जो चेंजिंग फ्लक्स है इसकी मुखालफत चाहती है. मुखालफत कैसे कर सकती है कि ये वाली जो साइड है वो चूँकि इसकी साउथ पोल है, क्योंकि ये वाली जो ट्रेलिंग एंड है ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर नॉर्थ पोल बनना चाहिए. यहाँ पर यानी ये वाली साइड नॉर्थ पोल बनना चाहिए. जब नॉर्थ पोल बनेगा तो फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तब ये वाली साइड नॉर्थ पोल बनेगी. जब ये वाली साइड नॉर्थ पोल बनेगी और ये वाली साइड साउथ पोल होगी, तो फिर इस केस में ये लूप और ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर आप इस मैग्नेट को, मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ, अगर मैग्नेट को आप करीब लेकर आते हैं तो ये लूप मैग्नेट को रिपेल करती है, और जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हो तो ये लूप मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है. यानी दोनों केस में ये लूप राजी नहीं है. तो ये लूप उस वक्त यानी रिपेल करती है जब आप इस लूप को, मैग्नेट को लूप के करीब लेके आते हो. जब मैग्नेट को लूप से दूर लेके जाते हो तो फिर इस केस में ये अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स वजूद में आती है. ये लेंजेज लॉ की वजह से है, क्योंकि लेंजेज लॉ में करंट इस डायरेक्शन में इस लूप के अंदर इंड्यूस होगा कि ये जो है अपोजिट पोल बना देगी, ये लूप अपोजिट पोल बना देगी और मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगी. और जब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे होंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि ये लूप जो है मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी और दूर जाने से रोकेगी, यानी दूर जाने की मोशन को अपोज करेगी. तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इसी वजह से है. तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेचर अबहार्स अ चेंज इन फ्लक्स. कि नेचर जो है, फितरत ये नहीं चाहती कि फ्लक्स चेंज हो, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने की वजह से एनर्जी पैदा होती है, और फितरत ये भी नहीं चाहती कि एनर्जी खुद ब खुद पैदा हो, बल्कि फितरत ये चाहती है कि आप लोग वर्क करें तो एनर्जी पैदा हो, हम लोग वर्क करें तो एनर्जी पैदा हो. क्योंकि ये कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है बता सकते हो, कि जितनी एनर्जी देंगे उतनी एनर्जी लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर ये लेंजेज लॉ जो है ये इसकी वजह से, ये इसी वजह से है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से. मैं आपको इसके और एग्जांपल देता हूँ कि जब आप लोड डालते जाते हो, यानी जनरेटर पर, कोई बिजली का जनरेटर चल रहा है, तो वो जनरेटर पर जो लोड है वो बढ़ता चला जाएगा. यानी जो इंजन है जनरेटर का, उसकी एक कॉइल को घुमाना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा जितना आप आगे लोड चला रहे हो. कि वो लेंजेज लॉ की वजह से होता है ना, कि जितना ज़्यादा लोड आप एनर्जी ले रहे हो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा आयल जलेगा, उतना ज़्यादा आयल खर्च होगा, तब उतनी ज़्यादा एनर्जी आगे प्रोवाइड होगी. तो ये लेंसेज ला कहता है. तो जितनी भी मोटर्स हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आप लोग इस तरह से सोचेंगे, क्योंकि माशाल्लाह समझदार हो आप लोग, कि जनरेटर चाहे लोड कम डालें या ज़्यादा डालें, जनरेटर एक जैसा आयल जो है उस पर खर्च होगा. ये गलत बात है, ये सही नहीं है, क्योंकि जितना आप लोड डालते जाओगे जनरेटर पर उतना ज़्यादा लोड पड़ता चला जाएगा, जनरेटर के इंजन को उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ये जो है ये इसी रूल के मुताबिक है कि नेचर अबहार्स चेंज इन फ्लक्स. नेचर जो है चेंज इन फ्लक्स को रोकती है, उसकी मजामत करती है. ठीक है स्टूडेंट.